ओके, हम अल्डोल कंडेंसेशन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमको एक चीज की जरूरत है, वो है हमारा कार्बोनिल कार्बन के बाद वाला कार्बन। देखिए, ये हमारा कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन है, इसके इधर में कुछ तो होगा। ये कार्बन जो है, दिस विल बी और दिस विल बी। सो इस कार्बन के बाद में दिस इज व्हाट, कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है, दैट इज अल्फा कार्बन। उसके जस्ट बाद वाला जो होता है, दैट इज योर बीटा कार्बन। उसके जस्ट बाद वाला जो होता है, वो होता है गामा कार्बन। समझ में आ गया, अल्फा बीटा गामा, इसको छोड़ के, इसको जस्ट बाद वाला अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, उसके बाद वाला ईटा, उसके बाद वाला डेल्टा, एंड सो ऑन। तो हमको इतने की जरूरत है, हमको ये दो की बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द केस ऑफ अल्डिहाइड दैट कंटेन्स अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन में जो लगे रहेंगे, ये हाइड्रोजन जो है, अब मैं ये हटा देता हूं इधर। ओके, ये हमारा अल्फा कार्बन है, उसमें लगे हुए ये तीन हाइड्रोजन जो है, दीज आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन मुझे कौन था, आफ्टर कार्बोनिल कार्बन वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। उसमें लगे हुए तीन हाइड्रोजन मैंने बताया, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज अल्फा। सो ये अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है। मैंने एक और कंपाउंड लिखा, COOCH3। एसीटोन है। इसके लेफ्ट वाला जो कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन। इसमें जो तीन हाइड्रोजन है, दीज आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। इधर वाला भी कार्बन आपका अल्फा होगा, यदि आप इधर जा रहे हैं तो ये अल्फा होगा और ये तीन अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। तो अभी जो रिएक्शन करने जा रहे हैं हम, अल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ दोज अल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन्स सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे ही अल्डिहाइड में ये रिएक्शन होगा। यू गॉट माई पॉइंट? अल्डिहाइड और कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन विल अंडरगो सच टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी हमने एक कंपाउंड लिखा यहां पे, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, नोन एज अ क्लोरल। इसको क्लोरल बोलते हैं। अब इसमें अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज इट डू नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इन दैट केस ये रिएक्शन इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, प्योरिटी मतलब ये जो कंपाउंड लिखा हमने, ये आपको ये रिएक्शन नहीं देगा। ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, दिस इज योर कार्बोनिल कार्बन। लेकिन इस कार्बन में आगे कोई अल्फा कार्बन है? इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएंगे? नहीं आएंगे, तो इन दैट केस दिस विल नॉट गिव दैट रिएक्शन, ये भी नहीं देगा। चलते और आगे, ये कार्बोनिल कार्बन आपका, इसके जस्ट बाद वाला ये अल्फा कार्बन, ये वाला। अब इस कार्बन में दो बॉन्ड ये हो गए, तीसरा और चौथा, यहां हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इसमें अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा, बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा। उसके बाद में लिखा मैंने ये वाला, क्या बोलेंगे इसको, बेंजोफिनॉन। इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक दो तीन चार, ये चार लोग ये रिएक्शन नहीं देंगे। बिकॉज एक तो उसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो दैट विल नॉट अंडरगो सच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गया किसका,
और दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड और कीटोन्स कंटेनिंग कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। व्हेन ट्रीटेड विथ टेन परसेंट अल्कली मतलब वेरी डाइल्यूट परसेंट अल्कली में ये आ सकता, ये आ सकता या फिर ये भी आ सकता, सिर्फ ये दो कंटेंस अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसका आप रिएक्शन करोगे डाइल्यूट NaOH, KOH और BaOH by 2 के साथ में। जब रिएक्शन करोगे तो यू विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नोन एज अल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज नोन एज कीटोल। Known as aldol condensation. इसमें दो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को जॉइंट हो जाएंगे और यू विल गेट द प्रोडक्ट जिसमें बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप तैयार हो जाएगा, मतलब वो अल्कोहल भी हो गया और उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी रहेगा, तो इसलिए हमने नाम दिया उसको अल्डोल। अल्डोल इज ए कंपाउंड दैट कंटेन्स CHO ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये हो गया अल्डोल। कीटोन से करेंगे आप, कीटोन से जब कंपाउंड बनेंगे कंडेंसेशन कंपाउंड जो बनेगा आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें कीटोनिक ग्रुप भी रहेगा अल्कोहलिक ग्रुप भी रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम कीटोल, दैट इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन और कीटोल कंडेंसेशन। तो अब इसका एग्जांपल करेंगे हम एसिटाल्डिहाइड से। कौन नहीं दे रहा इसमें, ये नहीं देगा, ये ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा, बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा और बेंजोफिनॉन लिया आपने, डू नॉट अंडरगो सच टाइप ऑफ रिएक्शन। क्यों नहीं दे रही है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ हाइड्रोजन, लैक ऑफ कर देते हैं इसको। देखिए इसमें यस मत लगाना, यहां पे एस मत लगाना, लैक ऑफ है, लैक्स ऑफ नहीं है, ये सेंटेंस भी काम का है। फॉर्मल्डिहाइड है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड है,
बेंजल्डिहाइड है, बेंजोफिनॉन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। Condensation of two molecules take place, दो मॉलिक्यूल का एक जॉइंट प्रोडक्ट बनने जा रहा है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन्ड। देखते क्या है कैसा है। एसिटाल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद 10% NaOH और KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड देन एट कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स विल टेक्स प्लेस थ्रू अल्फा हाइड्रोजन एंड यू गेट अ कंपाउंड दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरा अल्डिहाइड। चार कार्बन रहेंगे इसमें, एक CHO ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराल्डिहाइड विच ऑन वार्मिंग गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। देखते क्या है। ये रहा हमारा पहला मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का। दूसरे मॉलिक्यूल में से हम एक अल्फा हाइड्रोजन साइड में निकाल लेंगे, ये वाला, ये CHO एज इट इज है आपका। नाउ दिस इज व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH 10% ले लिया आपने एंड दिस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विल अटैक ऑन द कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ द अदर। इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो इसका क्या बन जाएगा, OH। तो अभी कंपाउंड कैसे बनेगा, CH3 ऐसी है, CH ऐसी है, यहां पे आपका ये नया आ गया, ये हाइड्रोजन जो है दूसरे मॉलिक्यूल का यहां चला गया, रिमेनिंग पार्ट जो है इसके साथ मैंने जोड़ दिया, तो अब ये आपका हो गया बीटा हाइड्रोक्सी चार कार्बन वाला अल्डिहाइड ब्यूटेराल्डिहाइड। ये आपका अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन पे OH आ गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी बोला हमने नाम में, बीटा हाइड्रोक्सी ये आ गया बीटा कार्बन, इस पे एक OH, देन अल्डिहाइड इधर है आपका, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा चार कार्बन है, सो यू कैन राइट 3-hydroxy ब्यूटेनल। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसको आप थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये OH ग्रुप और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, सो यू विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। इसको हमने एक दूसरा भी नाम दिया, व्हाट इज दैट, अल्डोल। क्यों बोल रहे हैं आप, उसमें एक CHO ग्रुप है तो ALD हो गया और OH ग्रुप है तो OL हो गया, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज ए अल्डोल। दूसरा भी नाम लिखा हमने, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराल्डिहाइड। यस, ऊपर का हो गया ये लैक ऑफ हाइड्रोजन वाला, ये लाइन मिटा के मैं उसका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता हूं।
ये वाला OH, और यहां से एक हाइड्रोजन आप पिकअप करेंगे, सो दैट इट विल लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। अब ये CH3 रह गया, ये CH, दिस इज व्हाट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नाम देना चाहेंगे आप तो ये है ब्यूटीन, ब्यूट 2-EN-AL, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन। यहां तक अभी हम एसीटोन का अलग से करेंगे। और भी एक नाम है क्रोटोनाल्डिहाइड। एसीटोन के लिए अलग से लिख रहे हैं आप। नीचे का रिएक्शन मिटा दूं मैं? मैं क्यों मिटाऊं? ये रहा एसीटोन का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसका अल्फा हाइड्रोजन इस पे जा रहा है, अब इसका नाम क्या होगा? ये आपका एसीटोन है, दो मॉलिक्यूल के साथ में निकले आप, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन पहले के कार्बोनिल ऑक्सीजन पे ऐड होके OH बना रहा है, तो अब नाम क्या होगा? ये कीटोन है, यहां से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन दिस वे 5
कार्बन आइटम्स आर देयर एंड दैट इज योर कीटोन. पेंटेन नॉन होगा. अब उसमें आपको कहां पे कौन सी चीज लग रही है? थ्री हाइड्रोक्सी, सॉरी फोर ना, फोर हाइड्रोक्सी, फोर मिथिल पेंटेन टू ओ एन ई, दैट इज योर कीटोल. ये कीटोल बन गया आपका. ऊपर लेके आ गया मैं इसको एक रोजेस वाटर मॉलिक्यूल. अब ये कीटोन होगा आपका. फिर से वाटर एलिमिनेट कर दिया मैंने. थोड़ा देख के CH3 CH3 OH CH2 then CH3 यहां पे गड़बड़ है क्या, है ना? ये एक कीटोन हो गया, ये दूसरा हो गया, सही है. यहां पे एक कीटोन, ये दूसरा कीटोन, छह कार्बन के साथ में, राइट. तो यहां से बचेगा आपका एच, ये वाला. फिर आगे जाएगा CH3, तो अब आपका ये कीटोन है, एक दो तीन चार पांच कार्बन के साथ में, पेंट 1 2 3. मैसिटिल ऑक्साइड बोलते हैं इसको. मैसिटिल ऑक्साइड बना दिया हमने. ओके, इसी टू और ये सब हो जाए तो बता देना. टू डिफरेंट aldehydes या फिर वन aldehyde एंड वन कीटोन, उसमें भी हो जाता है. नीचे का मिटा दूं मैं, ये मिटाना है.
कंडेंसेशन थ्रू अल्फा हाइड्रोजन। And that will be called as a cross aldol condensation. दिखाता करेंगे। ये सेम रहेगा, यहाँ पे OH हो गया, सो अब जो कंपाउंड बन गया आपका वो एल्डिहाइड है, ठीक है ना। लेकिन इसका अल्फा यदि लग जाता इधर तो दूसरा भी प्रोडक्ट बन सकता। इसका अल्फा हाइड्रोजन लेके इस पे लगाते हैं तो प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। एक दो तीन चार ब्यूटेराल्डिहाइड है, टू वन टू थ्री मिथिल, थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथिल बोल दिया आपने, ब्यूटेनल बोलना चाहिए। अब इसको गरम गरम करने की जरूरत नहीं है, जो है वो है। ये वो एच निकाल दिया, एच निकाल दिया, आपको एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। नाउ द सेम रिएक्शन, यदि एसीटोन इधर से लिखा, एल्डिहाइड इधर से लिखा, तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? चेक, यहां फोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी देयर। इसका इसी के साथ में एल्डोल कंडेंसेशन एक प्रोडक्ट, इसका इसके साथ में हो गया तो दूसरा प्रोडक्ट, ये दोनों का ऐसे हो गया तो एक प्रोडक्ट, तीसरा हो गया। अब ये इधर और ये इधर कर दिया मैंने, तो इन दिस वे देखिए, अभी कीटोन मिलने जा रहा है आपको, यू विल गेट फोर डिफरेंट प्रोडक्ट, जिसमें से दो आपने पहले लिखे, एक एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड के साथ में कर लिया, एक एसीटोन का एसीटोन के साथ में कर लिया, अभी एसीटोन एल्डिहाइड इधर, अब ये इधर कर दिया मैंने, तो कैसे दिखता है देखते हैं। ये हो गया OH, आगे CH2, उसके आगे CO CH3, नाउ दिस विल बी योर कीटोन। ये दो प्रोडक्ट हो गए, दो प्रोडक्ट आपने पहले बनाया, इन दिस वे यू विल गेट फोर डिफरेंट प्रोडक्ट इफ यू यूज टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। उसका नाम लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4 and 5, सो आई विल राइट फोर हाइड्रोक्सी 2 pentane 1, ओके, pentane 2 ONE, so this is called as a cross aldol condensation। ये उसका रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, डाइल्यूट अल्कली का एक्शन है। लेकिन अब वो लोग जिनको आपने छोड़ दिया है, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, देन बेंजोफिनॉन एंड देन
ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, उनमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था इसलिए उनकी ये रिएक्शन नहीं होगी, तो उनके लिए भी कुछ प्रोविजन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो उधर चलते हैं अभी। हम एक दिन बैच नहीं लिए तो पीछे चल जाते हैं। Okay. So in this case you will get not only these two product but along with that जो acetaldehyde, acetaldehyde से बनाया था एक, और acetone, acetone से बनाया था दो, वो दो और ये दो, ऐसे चार product यहाँ पे मिल सकते थे आपको। ऊपर का भी लिखना है ये वाला। Done, sir. Okay. इसके पहले आपने डाइल्यूट लिया था, कंडीशन था अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब जो कैनिजरोज रिएक्शन करने जा रहे हैं, आप कौन सा कैनिजरोज रिएक्शन जो करने जा रहे हैं उसके अंदर यू डोंट नीड एनी अल्फा हाइड्रोजन, नहीं चाहिए। और जो अल्कली है आपका वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, KOH या फिर 50% अल्कली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। This reaction is given by those aldehyde and ketone which do not contain alpha hydrogen. कौन कौन है आपके पास, ये है और ये है और ये है, ये ऐसे लोग हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी है, इट अंडरगो ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड alcohol and other get oxidized
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा यू विल गेट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, दूसरे का रिडक्शन होगा तो यू विल गेट अल्कोहल। यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑटो रेडॉक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें दो मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, वन ऑफ देम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम सॉल्ट एंड अदर गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। तो ये रिएक्शन है कैनिजरोज रिएक्शन या फिर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। स्पेलिंग काफी लंबा दिख रहा है यार, सही है ना, देख लेना, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यहां से यहां तक इतना लंबा नहीं हो सकता। कुछ तो भी गड़बड़ किया है इसमें, इतना लंबा स्पेलिंग नहीं बनता है। डिसप्रोपोर्शन पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ एन, ओके ए टी आई ओ एन, सही है बराबर तो यहाँ, हाँ सही है। वो ऐसा हम लोग लेंथ पे चलते हैं, हमको वो दिखता दिखता कुछ नहीं, हम सिर्फ लेंथ देखते हैं, इतना हो गया मतलब गलत हो गया, छोटा हो गया मतलब गलत हो गया, एक दिमाग में इम्प्रेशन होता है कि बोर्ड पे उसका साइज इतना होता है बस, बाकी ऐसा कुछ देख के लिखते नहीं, ऐसे अंधी में लिख देते। तो ये उन लोगों के लिए है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो चलते हैं। एक एल्डिहाइड लिया, दूसरा एल्डिहाइड लिया, लेकिन कौन सा, विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, डिसप्रोपोर्शनेशन में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा। This is what formaldehyde का। एक हो गया, दूसरा बेंजल्डिहाइड का करेंगे और तीसरा क्रॉस कैनिजरोज करेंगे, जिसमें एक फॉर्मल्डिहाइड होगा एक बेंजल्डिहाइड होगा। लास्ट चार लाइन मिटा दूं मैं? यस सर। ओके, ये सोडियम बेंजोएट या बेंजील अल्कोहल, इसमें से इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें इसका रिडक्शन हो गया, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन और इसका क्या किया आपने, रिडक्शन कर लिया।
क्रॉस कहने जरूर करेंगे। ऊपर का मिटा दूं मैं ये लाइन, यदि एसिड कर लिया आपने, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये फॉर्मिक एसिड भी हो सकता। ये मिटा दूं मैं नीचे का, नेक्स्ट इज योर क्लीमेंसेंस रिडक्शन। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा और वहां पे हाइड्रोजन ऐड होके आपका CH2 बनेगा, एंड इन दैट केस दैट कंपाउंड विल बी अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन। ओवरऑल रिएक्शन जो है जिसमें
aldehyde or ketones are converted into alkane by using zinc amalgam and concentrated HCl. So in that case, reaction will be called as a Clemmensen's reduction. ये जो है ये Clemmensen's reduction होगा. देखिए इसको निकालने में दो लगेंगे आपको और इसको लगाने में दो. टोटल चार हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी मेरी. दैट इज ऑब्टेंड बाय जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. इसको निकाल देंगे H2O हो जाएगा. दो हाइड्रोजन इसको लगाने पड़ेंगे आपको एंड इन दैट केस दिस विल बी R CH2R प्लस H2O एंड दिस इज योर alkane. एसीटोन लिया हमने. सेम टेक्निक से दो इसके साथ वाटर बनाएंगे. चार में से दो हाइड्रोजन इसको निकालने में लगेंगे, बचे दो, दो इस कार्बन पे लगाते हैं तो क्या होता है. Is that over? This is a Clemmensen's reduction, yes, conversion sir. Of carbonyl group into CH2 group. CO group jo hai, that is reduced to CH2 group. आप एसिटाल्डिहाइड भी ले सकते हो, उसमें भी CO group आएगा कहीं से ना कहीं से, that will be converted into CH2. वोल्फ किशनर्स रिडक्शन या फिर एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ NH2 हाइड्रेजीन है अलोंग विथ KOH इन इथिलीन ग्लाइकॉल. मतलब ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, तीनों लगेंगे हमको इस रिएक्शन में. Side chain alkylation of benzene can be carried out. By Wolff-Kishner's reduction.
जो बेंजीन रिंग है उसमें अल्किल ग्रुप लगाना है। आप मिथिल इथिल लगा लेते हैं बाय यूजिंग फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन, लेकिन उससे बड़ा अल्किल ग्रुप जब लगाने की बात आती है तो वो फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन से पॉसिबल नहीं होता। दैट कैन बी कैरिड आउट बाय ओल्ड किशनर्स रिडक्शन। हाइड्रा जोन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। अल्किल बेंजीन बनेगा इसमें। साइड चेन अल्किलेशन आप फ्रिडिल क्राफ्ट से नहीं कर सकते इफेक्टिवली, वो इसमें हो जाता है। रिडक्शन ऑफ हाइड्रा जोन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन करना यहां पे। या टाइम हो गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रा जोन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्किल बेंजीन बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहोलिक KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका रिएक्शन लिख के रुकेंगे हम लोग बाद में, रिएक्शन तो लिखेंगे पहले। जिनको जाना है वो जाते रहते और जिनको करना है वो करते रहेंगे। ओके शाला भाई दी फर्स्ट लाइन। ओके इफ यू स्टार्ट विद दी एसिटोफिनॉन एरोमेटिक अल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं आप। वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा और अब आपका हाइड्राजीन बनने जा रहा है, हाइड्राजोन सॉरी। माइनस एच टू करके हाइड्रा जोन ऑफ एसिटोफिनॉन हो गया ये। दिस ऑन हिटिंग विद दिस अल्कोहलिक KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल N2 निकाल देंगे हम उसमें से। ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है
ये हाइड्रोजन जो है इधर शिफ्ट करना है, ये दोनों को निकाल देना है, देखते क्या बनता है। ये तो है, उसके बाद में हो गया। दिस इज योर इथिल बेंजीन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल किशनर्स रिडक्शन। छोटे मोटे अल्केन तो आप क्लीमेंसन से भी बना लेते हैं, लेकिन इस टाइप का अल्किल बेंजीन बनाने के लिए आपको ये चेन कितना भी बड़ा कर दो तो उतना बड़ा अल्किल ग्रुप हम बेंजीन रिंग में लगा सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस रिएक्शन। यहां रुकेंगे हम। ये दो हाइड्रोजन इधर निकाल दिया आपने यहां से यहां पे, और N2 जो है निकाल दिया साइड चेन में। तो इन दिस वे यहां रुकेंगे हम। क्या एनी डाउट? यहां रुकते हैं। ओके करो, बंद कर दो सुजल। यस सर। ओके प्राजक्ता।